इससे पहले कि ऋषि और लक्ष्मी साथ मिलकर कुछ सपने देख पाते, इनकी जिंदगी में तो टूट पड़ा है ट्विस्ट का तूफान। अब देखिए, यहाँ तो चल रहा है मेंटल असाइलम वाला ये ड्रामा। क्या लक्ष्मी बच पाएंगी इस करंट सिचुएशन से? ओह माय गॉड। क्या ऋषि देंगे अब लक्ष्मी का साथ? ओह माय गॉड यस। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको मेरे शो भाग्य लक्ष्मी के सेट पर। बलवीर के चंगुल में फंसी लक्ष्मी ऋषि की दबंग गई, आयुष आया डॉक्टर की बैंड बजाने, खुल गई मेंटल असाइलम की पोल। जी टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में जिस पागलखाने में लक्ष्मी भरती है, उस पागलखाने में होता है गलत काम, और आज उसी गलत काम को अंजाम देने के लिए बलवीर भी पहुंच गया है, जो चाहता है लक्ष्मी को उस फॉरेनर के हाथों बेचना। बेचारी लक्ष्मी आज तो सभी के बीच बुरी फंस गई है, इसमें डॉक्टर भी शामिल है। इससे पहले कि बलवीर और वो फॉरेनर लक्ष्मी पर बुरी नजर डालते, वहां पर रक्षक बनकर पहुंच गया ऋषि, जिसने आकर कर दी बलवीर की धुलाई। साथ ही साथ डॉक्टर को भी सबक सिखाया, और तो और जो फॉरेनर था उसने बंदूक भी दिखाई, लेकिन ऋषि उससे डरा नहीं। ये कोशिश ये थी कि लक्ष्मी को मैं बेच दूंगा, और वो जो बाहर से बंदा आया है विल्सन, उसे बेच दूंगा और वो लेके चला जाएगा, बट ऋषि आ जाता है और फिर हमारे में मार धाड़ होती, गदर मचा देगा। मतलब मैं साइको हो गया था उस सीन में लक्ष्मी को बचाने के लिए। काफ़ी मज़ा आया, बहुत टाइम के बाद ऐसा कोई सीन लिख के आया था। और अब ये भाई साहब भी हैं अंदर, वो डॉक्टर भाई साहब भी हैं, तो इन दो तीन लोग हैं जिनसे लड़ना है अकेले मुझे। आयुष है मेरे साथ और वो ये लड़ी लेगा, बट लड़ लेंगे ऑब्वियसली। अकेला ऋषि किस किस से लड़ पाता? बलवीर तो उसे अपना निशाना बना नहीं वाला था कि तभी वहाँ पर हो गई आयुष की एंट्री, और उसने बलवीर को धर दबोचा। बलवीर ही नहीं बल्कि उस डॉक्टर को भी सबक सिखा दिया जिसने लक्ष्मी के साथ बदतमीजी करनी चाही। जहाँ आयुष और ऋषि हो वहाँ पर कोई भी लक्ष्मी का बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर वो फॉरेनर पड़ जाता है इन सभी पर भारी, क्योंकि उस फॉरेनर के पास है बंदूक और वो अपनी बंदूक सभी पर तान देता है। इससे पहले कि वो फॉरेनर बंदूक चलाता, हो गई पुलिस की एंट्री, और साथ ही हो गया उस मेंटल असाइलम का खुलासा भी। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन आयुष बलवीर से अब भी यही सच जानना चाहता है कि आखिर उसकी किसके साथ मिली भगत है, क्योंकि आयुष को तो पता है कि इन सब के पीछे मलिष्का है, लेकिन वो बलवीर के मुंह से सुनना चाहता है। लेकिन बलवीर यहाँ पर सभी को बहकाने की कोशिश करने लगता है। फिलहाल तो बलवीर ने मलिष्का का नाम तक नहीं लिया, जिसके चलते आयुष बेहद परेशान है। खैर, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अभी तो खुशी की बात यह है कि ऋषि को उसकी लक्ष्मी फिर से मिल गई, यानी लक्ष्मी फिर से अपने ससुराल पहुंचेगी, और ससुराल पहुंचते ही फिर से शुरू होगा ढेर सारा तमाशा, जिसे देखना काफी दिलचस्प होगा।
मुंबई से कैमरामैन सुनील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।